असली सोना दिखाकर नकली सोना बेचने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो असली सोने का बिस्किट दिखाकर उसे कम दाम में बेचने का दावा करते थे और लोगों को नकली सोना थमा देते थे। वहीं अगर कोई सौदा ना माने तो ये शातिर गिरोह उस व्यक्ति का अपहरण कर फिरौती की मांग करते थे। ऐसा ही हुआ था सीधी जिला के रहने वाले दीपक सोनी के साथ भी। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए दीपक सोनी को अपहरणकर्ताओं से छुड़ा लिया था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोकवार के जंगल में पुलिस ने दीपक सोनी का रेस्क्यू किया था, पर आरोपी फरार होने में सफल रहे थे। वहीं जब पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी दोबारा इस घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तब पुलिस ने दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनका पर्दाफाश किया। वहीं इस मामले में आगे और भी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस को जब सूचना मिली कि इस प्रकार ये जो गैंग है दोबारा से जो है ऐसी वारदात करने की फिराक में जो है वहाँ पे लगी हुई है, तो इसमें एम्बुस लगा के जो है टीमें भेजी गई और इसमें जो है 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो सूर्य प्रताप यादव है वो पहले भी अंबिकापुर जिले में जो है एक अपराध में बंद रहा है और इसकी शोहरत इस प्रकार की जो है घटनाएं करने की रही है। बेसिकली ये इस पूरे ग्रोह का सरगना है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके तलाशी में लगभग 60,372 रुपये जो है कैश जब्त हुआ है। साथ ही वो जो है सोने का टुकड़ा जिसको दिखाकर ये जो है वो करते थे, ओरिजिनल सोना जो इन्होंने दिखाने के लिए दिया था वो भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। साथ ही वो सोने का बिस्किट जो जिसको बेचकर ठगी करना चाह रहे थे वो भी पुलिस ने जब्त किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।